हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम एक राइट ट्रायंगल बना लेंगे जिसमें हम राइट एंगल अपना Q पर रखेंगे। PR प्लस QR की वैल्यू दी गई है, अगर PR और QR को प्लस कर देते हैं तो वो दोनों 25 सेंटीमीटर की हो जाती है एंड PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और PQ हमारी है 5 सेंटीमीटर की। तो हमें साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले तो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन है हमें PQ की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, PR प्लस QR दे रखे 25 सेंटीमीटर, PR की वैल्यू निकालने के लिए हम 25 सेंटीमीटर में से अगर QR को माइनस कर देते हैं तो हमें PR की वैल्यू पता चल जाएगी जो कि हमारी हाइपोटेनियस है। आप यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। बाय बाय पाइथागोरस थ्योरम PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। PR अभी हमने फाइंड करी है, 25 माइनस QR होता है तो हम लिख लेंगे 25 माइनस QR का स्क्वायर। PQ है हमारी 5 सेंटीमीटर तो 5 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। A माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। A माइनस बी का होल स्क्वायर होता है A माइनस बी का होल स्क्वायर होता है A का स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी का स्क्वायर। ये हम आइडेंटिटी लगा लेते हैं। तो 25 का स्क्वायर माइनस 2, 25 और क्यू आर प्लस बी का स्क्वायर, तो बी है हमारा क्यू आर इक्वल टू यहां पर आ जाएगा 5 5 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 625 माइनस 25 टू जा 50 क्यू आर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। यहां पर क्यू आर का स्क्वायर कैंसिल हो गया, 625 को इधर ले आते हैं तो माइनस 25 हो जाएगा, माइनस 50 क्यू आर को आरएचएस की तरफ ले जाएंगे तो हो जाता है 50 क्यू आर। 625 में से 25 माइनस करते हैं तो 600 आ जाएगा और इधर रहेगा 50 क्यू आर। 50 को 600 के नीचे ले आएंगे, डिवाइड करेंगे, हमारा क्यू आर की वैल्यू आ जाती है 12। हमें अपना क्यू आर मिल गया 12 सेंटीमीटर। अब हमारा पी आर निकालेंगे। पी आर निकालने के लिए हमने यहां पर लिखा था पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, तो वैल्यू पुट कर लेंगे। पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, जो हमारी वैल्यू निकली है 12 उसको फिल कर देंगे। 25 में से 12 माइनस करेंगे तो आ जाती है 13 सेंटीमीटर। तो अब हमें अपनी पी आर की वैल्यू भी मिल गई। अब हम क्वेश्चन करेंगे। साइन पी इक्वल टू, साइन पी हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटन्यूज, पी अपॉन में एच। तो जब साइन पी एंगल जो है हमारा वो पी पर है, थीटा हमारा पी पर है, तो परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड हो जाती है क्यू आर अपॉन में हाइपोटेन्यूस हो जाएगी पी आर। तो क्यू आर की वैल्यू हो जाती है 12 और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू होती है 13 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर निकल गया। अब कॉस पी निकाल लेते हैं। कॉस पी के लिए कॉस पी होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो बेस है हमारा पी क्यू और हाइपोटेन्यूस हो जाती है पी आर। तो यहां लिख लेते हैं 5 अपॉन में 13, ये हमारा आंसर है। अब लिख लेते हैं हम टेन पी अपना। टेन पी इक्वल टू, टेन पी होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर हो जाती है हमारी क्यू आर और बेस है हमारा पी क्यू। पी क्यू आर की वैल्यू हो जाती है 12 और बेस की वैल्यू हो जाती है 5। तो ये हमारे तीनों आंसर्स निकल के आ गए हैं।